आप कोई बुक वगैरह टाइप करते हैं या कोई आप लेटर पैड टाइप करते हैं, आप देखेंगे कि उसके अंदर आपका जो स्टाइल है आपका बुक का या लेटर पैड का, आप देखेंगे नेम आप कैसे स्टाइलिश होते हैं, या लेटर पैड पे आप कोई भी नाम आप देखते हैं तो वो स्टाइलिश होगा, वो आप किस तरह वर्ड के अंदर बनाएंगे। आज की जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर यही मैं आपको गाइड करूंगा। आपने सिंपल कोई भी जो वर्ड है जो आपने टाइप कर लेना है, टाइप करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास ऊपर शो हो रही है टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, आपको पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि जो भी आपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट जो है उसको आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने अपने माउस के साथ उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि मैं जो भी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ वो आप देख रहे हैं कि ये स्टाइल इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। आप मुख्तलिफ स्टाइल हैं ये, आप इनके ऊपर स्टाइल के हर एक स्टाइल का नाम आपको शो हो रहा है, जैसे ये फिल ब्लैक है, ये फिल ब्लू, कोई भी स्टाइल है हर एक स्टाइल का अपना ही नाम है। ये स्टाइल जो आपको बता रहा है जैसे ग्रेडिएंट है, ग्रेडिएंट फिल गोल्ड, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आप आते हैं तो आउटलाइन की ऑप्शन है। आउटलाइन में आप देखें कि जैसे ये हमने एक ये एक सेलेक्ट कर लिया है फिल ब्लू के नाम से। अब इसको हमने आउटलाइन इसकी चेंज करनी है। आप देखेंगे ये फॉन्ट है इसका, ये टेक्स्ट है, ये हमने जो लिखा है इसका कोई, हमने इसको और स्टाइलिश करना है तो हम नीचे आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ब्लैक सेलेक्ट है। आप जो जिस कलर पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके सामने कलर चेंज हो रहा है, जो भी आपने कलर रखना है ये आप देख रहे हैं, ये सारे कलर चेंज हो रहे हैं। ये ग्रेडिएंट स्टाइल में सारे कलर हैं। अगर आप इसको सॉलिड कलर में देखते हैं तो ये देखें सॉलिड कलर कलर के अंदर आपकी जो आउटलाइन है वो चेंज हो रही है। अगर आप सिंपल इसके ऊपर आउटलाइन पे क्लिक करते हैं नो आउटलाइन, तो आप देखेंगे कि आपकी आउटलाइन ख़त्म हो चुकी है। दोबारा हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन जो अप्लाई करेंगे वो आउटलाइन हो रही है। इसके साथ अगर आप देखें कि मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक अगर करते हैं, ये इसलिए है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कलर यहाँ पे जो आपको नहीं मिल रहा और आपने अपनी मर्जी से कोई कलर देना है तो आप मोर आउटलाइन कलर पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आपको कलर चाहिए वो आप इसके ऊपर ड्रैग करें और इसको ओके करेंगे, आप देखेंगे कि ये कलर उसके ऊपर आ गया है। इसके साथ अगर आप दोबारा मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करते हैं, कस्टम पे क्लिक करते हैं, तो कुछ ऐसे कलर जो आपको नहीं यहाँ पे मिलते और आपने वो कलर यहाँ पे अपने अपने बुक में या अपने लेटर पैड के ऊपर वो कलर आपने आउटलाइन लाजमी देना है, तो कलर के हर एक एक कलर के कोड होता है, कोड ना हो तो नंबर होते हैं, जो आप नंबर यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही नंबर अप्लाई करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो आपका कलर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप आउटलाइन पे हमने क्लिक किया है, नीचे आते हैं वेट के ऑप्शन पे, ये आप चेक देखें कि ये ऑप्शंस हैं, इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया है, आउटलाइन पे पर वेट पे क्लिक किया है, ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको आप देखें कि वो किस तरह आउटलाइन जो है वो डार्क हो रही है, लाइट है, ये और डार्क, ये और डार्क, इस तरह ये मोर अगर लाइन्स पे आप क्लिक, लाइन पे हमने क्लिक किया है, मोर आउटलाइन पे आप देखेंगे कि अगर नो फिल पे आप क्लिक करते हैं तो अंदर वाला जो कलर है वो सारा ख़त्म हो गया है, सिर्फ जो बाहर वाली आउटलाइन है वो ही शो कर रहा है। अगर हम सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे तो अंदर वाला कलर भी फिल हो गया। ग्रेडिएंट फिल पे आप क्लिक करते हैं तो अंदर वाला जो कलर है वो आप देख सकते हैं वो ग्रेडिएंट हो गया है, ठीक है। अगर इसको हमने कलर को नीचे वाली ऑप्शन पे आप देखें प्रेजेंट ग्रेडिएंट, इस पे आप क्लिक करें तो आपको देखेंगे कि जो आप कलर सेलेक्ट करते हैं वही ग्रेडिएंट इसके ऊपर इंस्टॉल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये आप ऑप्शंस आपको अडोब फोटोशॉप के अंदर मिलती है, लेकिन आप इसके अंदर भी ये ऑप्शंस कोई भी कलर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो कलर हो जाएगा। इसके साथ नीचे आप देखें कि अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कलर दे लेता हूँ, डार्क कलर देने के बाद ये ऑप्शन है लीनियर की, राइडल की, रेक्टेंगल की, पाथ की, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप देखें कि जहाँ पे आप इसको कोई डायरेक्शन देते हैं उसके अंदर जो कलर फील है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है।
या आप ये देखें कि जो आप कलर को इसको इधर लेके जा रहे हैं तो सारा कलर इस साइड पे इन्फो वाली साइड पे आ रहा है। अगर आप इसको देखें कि इसको मैं थर्ड वाली लाइन को खींच रहा हूँ, बैक साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो सारा जो कलर है वो ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। इसका हमने कलर अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक और कलर ऐड करना है, जिस तरह कि इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी कलर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि वो कलर इसके ऊपर रेड कलर दें, वो कलर इसके ऊपर आ रहा है। अगर इस कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई और कलर देना है, येलो कलर दे देते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कोई और कलर देना है। जो भी ऑप्शन हैं आपने ये खुद ही इसके ऊपर अप्लाई करके आपने देखनी है। इसके ऊपर आपने ब्लैक कलर देना है, ब्लैक कलर दे दें, ये और कोई कलर देना है तो और कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इसके नीचे वाली ऑप्शन पोजीशन की है, जैसे आप पोजीशन इसको आप चेंज करेंगे वो कलर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। नीचे ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस आपको डार्क और लाइट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, ये देखें थोड़ा डार्क, ये डार्क हो गया फुल, अगर फुल लाइट करते हैं तो ये लाइट हो गया है। नीचे आप देखें टेक्स्ट आउटलाइन पे, नो आउटलाइन पे अगर क्लिक करते हैं नो लाइन, तो आप लाइन आपकी बिल्कुल नहीं शो हो रही। अगर सॉलिड लाइन पे क्लिक करते हैं तो लाइन ग्रीन कलर की शो हो रही है। नीचे ग्रेडियंट लाइन है, उसके ऊपर आप जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे, ये नीचे सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। ये आपने सारी ऑप्शन वन बाई वन अप्लाई करके अपने टेक्स्ट के ऊपर आपने चेक करनी है कि आपको किस स्टाइल का फ़ॉन्ट चाहिए, किस स्टाइल का आपको आपकी बुक का नाम, या आपके जो आप लेटर पर टाइप कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा नेम चाहिए, या आपको ये सीवी अपनी स्टाइलिश टाइप कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए और क्या आउटलाइन चाहिए, ये आपने खुद ही सारी ऑप्शंस वगैरह अप्लाई करके देखनी है। मैं सिर्फ वीडियोस के अंदर आपको ये गाइड दे रहा हूँ कि ये जो ऑप्शंस है क्या काम है और किस तरह इसको अप्लाई करना है। आपने ये वीडियोस पूरी देखनी है, ये ऑप्शंस सारी जो अप्लाई करके आपने डिफरेंट स्टाइल में देख लेनी है अपने पास। ये आप देख सकते हैं कोई और कलर इसके ऊपर अप्लाई करना है, आप वो आउटलाइन का कलर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कर दें, ब्लैक करके देख लें, ठीक है, आप देखेंगे सारा ब्लैक हो गया है इस कलर का। और इसके नीचे आप पोजीशन है, पोजीशन आप देख सकते हैं, अगर इसको आप चेंज करते हैं तो आप पोजीशन पे थोड़ा सा गौर करेंगे, नीचे ट्रांसपेरेंसी फिर आ गई है, यहाँ पे आप क्लिक करिए आउटलाइन की ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप देख सकते हैं लाइट और डार्क हो रही है, ठीक है। नीचे ब्राइटनेस की ऑप्शन है, ये आप अप्लाई करके देख लें। नीचे ये ऑप्शन है हाई जो इसकी आउटलाइन है उसको ज़्यादा डार्क करना है या लाइट करने की ऑप्शन है, विड्थ तो उसकी बता रहे हैं। नीचे कंप्रेस कंपाउंड टाइप है, कंपाउंड टाइप है आप देखें कि जैसे आप आउटलाइन पे क्लिक करते हैं आपकी आउटलाइन का स्टाइल चेंज हो रहा है, जो आउटलाइन आप देंगे वो आउटलाइन इसके ऊपर आ जाएगी। इसके नीचे है डैश टाइप, ये देखें जो आपने अप्लाई करनी है ऑप्शंस वो आपकी आउटलाइन के ऊपर ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगी। ये नीचे कैप टाइप पे क्लिक करें, स्क्योर स्किन पर राउंड है, ये राउंड टाइप है, सारी आपकी जो बॉडी लाइन है ये आ जाएंगी। फ्लैट में अगर क्लिक करते हैं, फ्लैट में अगर आप देखना चाहें तो आपका ये फॉन्ट आप देखें कि कैसा प्यारा और स्टाइलिश हो चुका है। अगर आप इसको अडोब में खुद बनाएं तो बड़ा टफ होगा, और अगर आप डाउनलोड करते हैं तभी आपके लिए टफ है, ये आपने खुद अपने तौर पे इफेक्ट वगैरह डालने हैं, ठीक है। इसको दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट आउटलाइन पे थे, यहाँ पे नीचे फ्लैट ए फ्लैट राउंड, नीचे ज्वाइंट टाइप है, इस पर आप क्लिक करके देखें वन बाय वन स्टेप स्टेप वो ऑप्शंस चेंज होती हैं। आपने ये पूरी वीडियो पे जो भी मैंने आपको बताया है ये आपने अप्लाई करके ऑप्शंस देखनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने हर तरह का जो स्टाइल है आप देखें कि इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जो आपने स्टाइल रखना है वो स्टाइल आपको बता दिए हैं। ऑप्शन जो है मैंने इसकी इफेक्ट की आपको बता दिए हैं, आउटलाइन की ऑप्शंस, आउटलाइन और फिल की ऑप्शन मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शेडो के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने किस तरह शेडो अप्लाई करना है, किस तरह आपने उसको कलर वगैरह देना है, वो तमाम उसके ऊपर वीडियो होगी। तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप जो वीडियो देखें वो ऑप्शंस को अप्लाई करके देखें।
आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया बुक के कुछ नाम, जैसे ना ये एक बड़ा स्टाइल प्यारा बना हुआ है, आप कुछ भी स्टाइल खुद बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। और बस थोड़ा सा है कि आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर, जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए होता है वो आपने खुद बनाना होता है, बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपको बता दिया है। सिंपल आपने फ़ोन को अपने को टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो जो आपने कलर देने हैं वो कलर आपने खुद दे लेना है, जो फिल कलर हैं कुछ भी कलर, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है काम, आपने खुद अप्लाई करके चेक करना है अपने पास। और तमाम दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे YouTube चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शेडो पे पढ़ेंगे पूरी डिटेल की रिव्यू। और तमाम दोस्तों को बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।